कई बार क्या होता है कि कवि सम्मेलन में जबरदस्त हूटिंग होती है कवियों की। इसी थीम पर मैं एक कविता लेकर आया हूं, जिसको लिखा है बहुत ही प्रसिद्ध हास्य कवि शैल चतुर्वेदी जी ने। तो ये कविता थोड़ी सी लंबी है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएगी। मैं शुरू करता हूं इसको। एक कवि सम्मेलन में ऐसे श्रोता मिल गए जिनकी कृपा से कवियों के कलेजे हिल गए। एक अधेड़ कवि ने जैसे ही गाया, उनका चेहरा गुलाब क्या कहिए, सामने से आवाज आई, लेकर आए जुलाब क्या कहिए। और कवि जी जुलाब का नाम सुनते ही अपना पेट पकड़कर बैठ गए। दूसरे कवि ने माइक पर आते ही भूमिका बनाई, न तो कवि हूं न कविता बनाता हूं, आवाज आई तो क्या बेवकूफ बनाता है भाई। क्या बात, कवि को पसीना आ गया और वह घबराहट में किसी और का गीत गा गया। जब जब घिरे बदरिया कारी, नैनन नीर झरे, आवाज आई तुम भी कहाँ जाकर मरे। यह कविता तो लखनऊ वाली कवित्री की है। कवि बोला, हमने ही तो उसे दी है। आवाज आई पहले तो पल्ला पकड़ते हो, और जब हाथ से निकल जाती है तो हल्ला करते हो। संयोजक ने संचालक से कहा, कविता मत सुनाओ, जिसके पास गला है उसको बुलाओ, राजेश जी को बुलाओ। गले वाला कवि मुस्कुराया और जैसे ही उसने नमूना दिखाया, चटक मारा चंपा आई रे रित थारी। कोई श्रोता चिल्लाया, किस लोकगीत से मारी। कवि बोला, हमारी है हमारी, विश्वास ना हो तो संचालक से पूछ लो। संचालक बोला, गाओ या मत गाओ, मैं झूठ नहीं बोलता, गवाही मुझसे मत दिलवाओ। संचालक ने दूसरे कवि से कहा, गोपाल जी आप ही आइए, ये श्रोता रूपी कैरव कविता को नंगा कर रहे हैं, लाज बचाइए। गोपाल जी जैसे ही शुरू हुए, तू ही साकी तू ही बोतल तू ही पैमाना। किसी ने पूछा, गुरु ये कवि सम्मेलन है या मैखाना। कवि बोला, मैं खानदानी कवि हूं, मुझसे मत टकराना। आवाज आई, क्या आपके बाप भी कवि थे। कवि बोला, जी हाँ थे, मगर आप ये क्यों पूछ रहे हैं। उत्तर मिला, हम आपकी बेवकूफी की जड़ें ढूंढ रहे हैं। क्या अब की बार एक आशु कवि को उठाया गया। उसने कहा, आपने हमें कई बार सुना है। आवाज आई, जी हाँ आपकी बकवास सुनकर कई बार सिर धुना है। कवि बोला, संभल कर बोलना, हमारे पास कलेजा है, ऊपर से नीचे तक भेजा ही भेजा है। किसी ने पूछा, आपको किसने भेजा है। कवि बोला, हम बनारस में रहते हैं, रस हमारे यहाँ ही बनते हैं। उत्तर मिला, यहाँ के श्रोता मुश्किल से बनते हैं, बकवास नहीं कविता सुनते हैं। कवि बोला, कविता तो कविता, हम अखबार तक को गाकर पढ़ सकते हैं, मंच पर ही नहीं छाती पर भी चढ़ सकते हैं। आवाज आई, यहां से दारा सिंह भी आड़ा सिंह होकर गए हैं। कवि बोला, हम दारा सिंह नहीं हैं, दुधारा सिंह हैं, दोनों तरफ धार रखते हैं, कवि होकर भी कार रखते हैं। संचालक बोला, बेकार मुंह मत लड़ो, कविता हो तो सुनाओ। कवि ने संचालक को पलटकर कहा, अच्छा हमारी बिल्ली हमसे ही म्याऊं, कविता क्या होती है सुनाओ। संचालक में छुपा है चालक, घुसा हुआ लक चालक में। कोई श्रोता बोला, कविता छोड़ के काम कीजिए नौटंकी या नाटक में। कवि हाजिर जवाब था, दूध की बोतल में शराब था। बोला, जी हाँ नौटंकी या रामलीला में काम करेंगे, और आप जैसे तो चार बंदर हमारे हाथ मरेंगे। उत्तर मिला, आपकी बगल में बैठे हनुमान जी हमारी सहायता करेंगे। आशु कवि के बैठते ही हास्य कवि ने मजमा लगाया, लो आ गए हम सभा में, देखना अब रंग आएगा, कि रावण को चटाता धूल अब बजरंग आएगा। कई श्रोता एक साथ चिल्लाए, बजरंग बली की जय। कवि बोला, जय बोल लो या कविता सुन लो। उत्तर मिला, कविता और आप महापाप महापाप। कवि बोला, पाप कहो या बाप, मैं नहीं बैठूंगा, गैर उठे तेरी महफिल से तो मैं बैठू, शनिचर जब चला जाता है तो इतवार आता है। आवाज आई,
इस शनिवार को तेल पिलाइए और इतवार को बुलाइए। कवि बोला, मैं ही इतवार हूं। आवाज आई, छुट्टी कीजिए और सोमवार को आने दीजिए। सोमवार जी ने माइक पर आते ही महिलाओं पर दृष्टि जमाई और टाई को मोड़ते हुए गजल सुनाई। एक श्रोता बोला, गला क्या है, बांसुरी है। दूसरा बोला, ऊपर से नीचे तक छुरी है। तीसरे ने कहा, वाकई खूब गाता है। चौथा बोला, लेकिन महिलाओं को सुनाता है। कवि ने फौरन मक्ता पेश किया, हम दौरे इंकलाब समझते हैं उसको मोम, खाके जमी के साथ अगर कहकशा चले। किसी ने तुक मारी, बदनाम करके प्रीतम मुझको कहाँ चले। कवि ने स्वर कहा, स्वर बदला, रूप तेरा मन में कस्तूरी बो गया। आवाज आई, गीत पढ़ रहे हो या खेती कर रहे हो। कवि बैठते हुए बोला, ऐसा रिस्पॉन्स मिलेगा तो खेती ही करनी पड़ेगी। अब व्यंगकार को पुकारा गया, नशे के आसमान से जमीन पर उतारा गया। व्यंगकार ने माइक पकड़कर लड़खड़ाते हुए कहा, देश लड़खड़ा रहा है, संभालो। आवाज आई, थोड़ी सी और लगा लो। कवि बोला, आप मेरा नहीं हिंदी साहित्य का अपमान कर रहे हैं। उत्तर मिला, जी हाँ, ज्ञान का सारा प्रकाश आप ही के कंधों पर टिका है और हिंदी का सारा साहित्य आप ही के नाम से बिका है। कवि बोला, हम प्रमाण दे सकते हैं। आवाज आई, क्यों नहीं, आप गीतांजलि को पी सकते हैं, मेघदूत को खा सकते हैं और कामायनी तक पर उंगली उठा सकते हैं। कवि बोला, हमने दिल्ली से मद्रास तक बड़े बड़े मंचों को हिलाया है। उत्तर मिला, ये और कह दो कि निराला को गोद में खिलाया है। व्यंगकार बैठते हुए बोला, अरे हट, ये भी कोई श्रोता है। कोई बोला, आप जैसों के लिए सरोता है। इतनी देर में संचालक को अकल आई तो उसने मंच पर अपनी माया फैलाई। कवित्री की गजल गूंजी, सुबह न आया, शाम न आया, उसका कोई पैगाम न आया। आवाज आई, इंतजार बेकार है, पोस्टमैन बीमार है। कवित्री बोली, शोर मत मचाओ, दम है तो मंच पर आ जाओ। उत्तर मिला, 51 रुपये लूंगा। संयोजक बोला, बहन जी उसे रोकिए, एक भी पैसा नहीं दूंगा, ये लोकल कवि है, 51 रुपये में 52 कविताएं सुनाएगा और मंच पर रखे सारे पान अकेले ही खा जाएगा। संचालक ने हार कर धीरज जी को बुलाया, माइक नीचे झुकाया, मसंद नीचे लगाया। धीरज जी बोले, मैं आ गया हूं, बजाओ तालियां बजाओ। कई आवाजें एक साथ आई, पहले कव्वाली सुनाओ। मुंह पर मुट्ठी बांध कर नजले को भीतर खींचते हुए और दांतों को भींचते हुए जैसे ही धीरज जी शुरू हुए, छुपे रुस्तम है कयामत की नजर रखते हैं। आवाज आई, विस्की मिलती है कहाँ, इसकी खबर रखते हैं। धीरज ने कव्वाली रोकी और संयोजक से बोला, आप तो कह रहे थे यहाँ नहीं मिलती। संयोजक बोला, विस्की नहीं, ठर्रा मिलता है। कवीवर ऐश जी और बागी जी एक साथ बोले, मंगवा दो, अपुन को चलता है। तभी संचालक ने घोषणा की, आ गए आ गए, कवीवर नौटंकी लाल आ गए। मुश्किल से आप आए हैं, ट्रेन छूट गई पर प्लेन से आए हैं। देखिए वो आ रहे हैं, गलत मत समझिएगा, यात्रा की थकान है ना, इसलिए लड़खड़ा रहे हैं। चमचों से घिरे हुए शोर मचाते, पूरब को पश्चिम से मिलाते और क्रांति के गीत गुनगुनाते, कवीवर नौटंकी लाल कवियों को दांत दिखाकर जनता की ओर घूम गए और माइक को नायिका समझकर उससे झूम गए। बोले, हाँ तो मेरी जान, मेरे मीत, ले सुन लो मेरी नई नई फिल्म का धांसू गीत। अररर हुर, मेरे दिल का पिंजरा छोड़ के हो मत जाना फुर, ओ मेरी सोन चिरैया। आवाज आई, यहाँ सब पढ़े लिखे हैं भैया। तभी कोई चिल्लाया, सांप सांप सांप, और सारे पंडाल हो गया साफ। कवि सम्मेलन ध्वस्त होने के पश्चात किसी कवि ने संचालक से पूछा, क्यों गुरु, जूतों का कहीं पता है? संचालक बोला, जूतों को मारो गोली, संयोजक लापता है। थैंक यू। क्या बात, बहुत बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू राजेश। सवाल कर दिया आपने, बहुत बढ़िया, मतलब व्यंग लेकर आए इस बार, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू, थैंक बहुत यू बढ़िया राजेश, शैलेंद्र जी, बहुत खूब राकेश जी, मजा आ गया। लंबी जरूर थी लेकिन व्यंग की निरंतरता बनी हुई थी, हास्य और व्यंग दोनों की, तो मजा जी आया, थैंक बहुत अच्छा। यू, चल थैंक यू। नमिता,
बहुत अच्छा राकेश जी, मैंने पहली बार सुनी है ऐसी कविता, और ऐसे ही मैं कविता एक्सपोजर मेरा बहुत कम है, सो मेरे लिए दिस प्लेटफॉर्म इज यू नो अ वंडरफुल एक्सपीरियंस टू लिसन टू अ लॉट ऑफ गुड म्यूजिक एंड ऑल्सो यू नो कविता. आई थिंक एक बात मुझे जो रियलाइज हुई कि किस तरह आज की दुनिया में हाजिर जवाब होना बहुत जरूरी है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये चीज़. अगर आपके अगर आपके क्राफ्ट को कोई, आजकल का जो जमाना है सोशल मीडिया और इसका, आप कुछ भी कर लो, लोग आपको कुछ ना कुछ तो कहते ही हैं. मतलब उस वो नेगेटिव कमेंट्स या वो यू नो आपको मोरल आपको लो करने के लिए आपको कुछ ना कुछ कहेंगे. तो मेरे लिए कविता के माध्यम से मैंने ये सीखा कि भाई किस तरह से आप लोगों की बातों का ध्यान ना दें और अपने अपने आप पर भरोसा रखें, और यू नो यू शुड बी एबल टू जस्ट गिव इट बैक टू पीपल हु डोंट नो द एफर्ट दैट यू हैव पुट इन टू समथिंग दैट यू हैव क्रिएटेड. सो थैंक यू सो मच राकेश जी. थैंक यू नमिता जी, थैंक यू सो मच राकेश जी, बहुत थैंक यू। बढ़िया.